शक्कर, गुड़ और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे बाबाजाद खाया करते थे, और आज पाकिस्तान में इसका रिवाज कम होता जा रहा है। इस रवायत को बरकरार रखने के लिए हमने इस गुड़ मेले का इनेकाद किया। हम लोग जो पहले शुगर मिल को गन्ना देते थे, उसके बाद हमने गुड़ का कारोबार शुरू किया। ये हमारा अपना बिजनेस है, उधर हम बैंड हो जाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं, कभी वो पेमेंट देते हैं कभी नहीं देते हैं। वो काट कर लेके जाएंगे, आज परमिट नहीं मिला, हमारी फसल उधर लेट हो जाती है, हम गंदम की फसल, नेक्स्ट जो फसल है हमारे लिए जो टाइम है ना वो बड़ा कीमती होता है। जो हमने मिल को रेट देना है या मिल से हमने पैसे लेने हैं, उससे कम अज कम 60-70% प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस अगर हम गुड़ खुद बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि नकद पैसे इसके मिल जाते हैं, इंतजार नहीं करना पड़ता। दो लाख रुपए का एक एकड़ अपने मिल में फेंक के पैसे वो कमाते हैं, तो अगर इस तरह वैल्यू एड्स करके उसको बेहतर उसको प्रोडक्ट बना के ये 10-12 लाख रुपए जो है ना एक एकड़ से कमा सकते हैं। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स है दोनों के फर्क में जो है उनके लिए। 100 मन गन्ना हो जी उदा जी 9-10 मन गुड़ बनता है एवरेज, जे कमाद जिमीदार ने अच्छे तरीके ना पालिया हो। बाजार से यदि कीमत है जी इस टाइम मन की 4,500-4,000 रुपया यदि सेल आ गुड़ की, तो खंड जी वो कैमिकल बहुत ज़्यादा पै रहे जी, इस कैमिकल कोई नहीं जी, कैमिकल तो बिल्कुल लौके आ, प्योर ऑर्गेनिक है। इसलिए हमने ये एक टास्क समझा, बड़ी मुश्किल से हमें मशीन हायर की बड़ी मुश्किल से, उसके बाद इसको वो कारीगर नहीं मिल रहा था, एक बुजुर्ग बाबा उधर से मिला, उससे हमने ठीक करवाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये हमने पहला स्टेप हमने अपने मुकम्मल कर लिया है, अब आगे हम चला रहे हैं, रेगुलर सीजन आ गया है, बना रहे हैं, वो अपने ड्रम भरे हुए हैं उधर गाँव में, उसके बाद हम निकालना शुरू कर देंगे, तो ये हम बाजार में अवेलेबल होगी सर। वाइट शुगर एक ऐसी चीज़ है जो इसको हम वाइट पॉइजन कहते हैं, इन्हीं की वजह से आज जो आप देखें हॉस्पिटल भरे हुए हैं, लोगों की सेहतें खराब हो गई हैं। ऑर्गेनिक चीज़ ऑर्गेनिक ही होती है, केमिकल तरीके से बनी हुई चीज़ जो है वो केमिकल अपने बुरे असरात रखती है जिस्म पे, जो कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए मैदे के अमराज और ख़ासतौर पर शुगर के अमराज जो हैं वो इस चीज़ की गवाही हैं। तो अब हम पाकिस्तान में जो गुड़ मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको आगाज़ कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं या माजी की रवायत को आगे लेके चल रहे हैं, तो उससे लोगों के ये मसाइल और ये प्रॉब्लम कम होने की चांस है। बचपन से असीं देखते थे कि मेले दरबारों के उपर मेले लगते सन, और बड़ा खूबसूरत उन्हां दा हुंदा सी कि सारे पिंड दे लोग, कुछ क्रिश्चन भी मुस्लिम भी हर तरह की बरादरी का बंदा उहदे विच शरीक हुंदा सी। लेकिन हुण इन्हां मेलियां नूं ज़्यादा तों ज़्यादा करन दी इस पाकिस्तान विच जरूरत हैगी, ताकि पाकिस्तान विच अमन और खुशहाली का जरिया एक जड़ा ना एक कल्चर फेस्टिवल जड़े ने इन्हों का इनकाद है। ये बहुत अच्छी काविश है, अवेयरनेस के लिहाज से भी और ताज़ा खुराक के लिहाज से भी और बच्चों के लिहाज से, हर लिहाज से इस तरह के मेले बार बार होने चाहिए, हर मौसम में होने चाहिए।